नमस्कार, मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी। पिछले साल की बची हुई एकमात्र टेस्ट मैच खेलने पहुंची टीम इंडिया के परमानेंट कप्तान रोहित शर्मा कोविड के शिकार हो गए हैं। फिलहाल उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। बीसीसीआई के स्पेशल डॉक्टरों की निगरानी में उनको रखा गया है। इससे पहले भारत के स्टार स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन और विराट कोहली भी कोरोना की चपेट में आ चुके थे, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने जल्द ही कोरोना को मात दे दिया और वापस फील्ड पर आ पहुंचे हैं। एकमात्र अंतिम मैच में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से रोहित का इंग्लैंड के खिलाफ खेलना अब संदिग्ध लग रहा है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि भारतीय टीम की कप्तानी अब कौन करेगा और किस खिलाड़ी से पारी की शुरुआत कराई जाएगी। हालांकि सूत्रों से खबर आई है कि मयंक अग्रवाल को रोहित की जगह पर टीम में रखा जा सकता है और इसलिए ही इस खिलाड़ी को टीम से जुड़ने के लिए आज यानी 27 मई को इंग्लैंड से बुलावा आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के उपकप्तान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। कयास लगाई जा रही थी कि ऋषभ पंत को टीम संभालने की जिम्मेदारी दी जा सकती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दिख रहा है। पूरी उम्मीद है कि रोहित के अनुपस्थिति में बुमराह ही टीम की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल जब दोनों देश के बीच अंतिम टेस्ट मैच 10 से 15 सितंबर के बीच खेला जाना था, उस वक्त कोरोना के डर से इस टेस्ट मैच को स्थगित कर दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत इस द्विपक्षीय श्रृंखला में 2-1 से लीड कर रहा है। ऐसे में सीरीज का आखिरी मुकाबला निर्णायक साबित हो सकता है। पिछले साल से तुलना करें तो दोनों टीमों में काफी ज्यादा बदलाव भी हुआ है। पिछले साल हुए 4 टेस्ट मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली थे, लेकिन इस साल रोहित है जो कोविड की चपेट में आ गए हैं। वहीं मेजबान इंग्लैंड की बात करें तो जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे दिग्गज गेंदबाज अपनी टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे। हालांकि प्रैक्टिस मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी ढीली नजर आई और बड़े बड़े दिग्गज सस्ते में निपट गए। ऐसे में भारतीय टीम ज्यादा गेंदबाजों के भरोसे ही आखिरी टेस्ट खेलते नजर आएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कप्तान रोहित शर्मा 1 जुलाई से होने वाले आखिरी टेस्ट मैच में खेलते नजर आएंगे या नहीं। ऐसे ही स्पोर्ट्स की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।